focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world class businesses. Big Tech. भाई नीचे कर लो यार। सूचना के आधार पे पुलिस के द्वारा घेराबंदी मिलेगी और उसी में जो पीछे फायर हुआ है उसमें एक बलराज बलराज भाटी जो कि फायरिंग में मारा गया और फिलहाल उसके पास से असला और कई काफी मात्रा में कारतूस बरामद हुए और आगे कार्रवाई की। इसके ऊपर कितना इनाम था और इसके कौन सी पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई? ये जैसा मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश पुलिस और हरियाणा पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन था जिसमें कि बदमाश मारा गया और इस पर उत्तर प्रदेश से और हरियाणा से इनाम घोषित था और दिल्ली से इनाम घोषित था। करीबन 2.5 लाख का इनाम जो है जो बयान में अभी तक आया है। सर बताया जा रहा है पीछे से गोलियां चलाते आ रहे थे ये लोग? हाँ, लगातार इन्होंने पुलिस पार्टी पे फायरिंग की है। जैसे पुलिस पार्टी ने इनको इंटरसेप्ट करने का प्रयास किया है उसमें लगातार पुलिस के ऊपर फायरिंग की है। सही चेस कहाँ से हो रहा था? जो उसकी मूवमेंट थी उसी में इसका पीछा किया गया करने के लिए। इसके पास में भी पिस्टल बरामद हुई है, कारतूस भी बरामद हुआ है। सर राहगीर को घायल है? हाँ, इसमें कुछ राहगीर हैं जिनके चोट आई है। मैंने आपसे कहा ना कि स्कूल प्रबंधन शर्मा जी इधर बता कुछ नहीं, हम अपनी शॉप पर बैठे थे गैराज पर, कुछ भागे भागे आ रहे थे, आगे कोई चल रहा था, वो एक बाइक पर यहाँ बंदा बैठा था, उसके गोली लग गई थी। बनवा अंदर अंदर चले गए थे, पीछे से गोली चल रही थी, अभी पता नहीं गोली किसकी लगी उसको, लेकिन हाँ काफ़ी गोलियाँ चली यहाँ पर, बहुत देर तक गोलियाँ चली थी, काफ़ी दूर से भागे हुए आ रहे थे जी। नहीं ये तो पता नहीं, सुनने में 4-5 गोलियाँ लगी उसके बदमाश के, इनकाउंटर क्या है उसका शायद। हाँ एक बाइक पर आ रहा था कोई, उसके गोली लगी थी पीछे।
ये पता नहीं क्या नाम उसका जानते हैं नहीं नाम पता नहीं उनके भाई हैं यहीं पर आए हुए बंदा कहाँ है ये देखा वो तो तुरंत क्या है एक ही था क्या अभी मेरे दो आए उनसे यार रूम कहाँ है अरे ब्लड ब्लड नहीं है